जैसे ही मैं ड्यूटी से घर पहुंचती हूँ, ये कप्पू मेरे पीछे पीछे नहीं आ रहा, इस पर्स के पीछे पीछे आ रहा है टॉफी के लिए। लेकिन आज मेरा पर्स हाथ लग चुका है दिव्या के। अब ये क्या निकालने वाली, कहीं कप्पू वाली टॉफी ना खा ले। इसने तो पेपर ही निकाला और पर्स खुला ही पटक दिया है। आपके बच्चे भी ऐसे करते होंगे, कुछ न कुछ बिगाड़ के छोड़ देते हैं और यहाँ आके ड्रॉइंग शुरू करती है, ऊपर नीचे टेढ़ी मेढ़ी जिग जैग पता नहीं कैसी लहरों वाली। आज तक मुझे दिव्या की कोई भी ड्रॉइंग समझ नहीं आई, बस देखकर आंखों को सुकून मिल जाए। बाकी समझ कर हमें कौन सा पिकासो या फिर लियोनार्डो द विंची बनना है। ये दूसरी वाली ड्रॉइंग चल रही है जिसमें दो कलर यूज करके कुछ ऐसे ब्लेंड किया है कि काफी ऐसे मतलब अच्छा लग रहा है। और फिर इसमें कर रही है कुछ और चित्रकारी। एक पहला वाला कंप्लीट हो गया, उसमें कोटेज वगैरह कुछ लिखा है। और इस वाले में तार लगा के तार पे लाइटें लगा रही है। ये पहले वाले पे अभी लिख रही है, पहले नहीं लिखा था, सूखने के लिए रख दिया था। बार सीखते रहना चाहिए ऐसा कुछ लिखा। और ये थर्ड वाली जिस पे जो बनाया है ना, ये देख के तो आपकी आंखें बस पूछ मतलब दिखी नहीं, अगली वाली आ गई। ये कब बनाई मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये तेजस ने बनाई जिसमें ब्लैक ब्लैक सारा दिव्या ने बनाया। तो तेजस ने क्या किया होगा, कलर में पन्ना डुबो दिया होगा। बस अब देखो पेंटिंग भले मुझे समझ ना आई, लेकिन ये चीज समझ आ गई कि ये किसी करोड़पति के घर में लगा दी होती तो लाखों की पेंटिंग जरूर लगती। अच्छा जी ये बता दीजिए कि आपने घमुसाने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है क्या। बाय बाय।